वाला सम देखो, 15th वाला सम, विक्रम रेड करो। विक्रम क्वेश्चन रीड करो। यस सर, 1 मिनट, ईयरफोन। हाँ हाँ सर, 15 समझा सर। हाँ हाँ 15। ये एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक व्हिच बेस इज अ सर्कल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट सो एज टू कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ पाई ए क्यूब सी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हाँ हाँ थैंक यू विक्रमा। सो देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है वो क्या है, सिलेंडर शेप में है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था ये सिलेंडर वगैरह के लिए क्या होता है। स्टार्टिंग में देखो सिलेंडर के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम हो गया, फिर एरिया हो गया, उन सब के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ये टॉपिक के स्टार्टिंग में ही दिया था। एक मिनट बताता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में थर्ड लेक्चर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आप इसको डायरेक्ट ओपन करके भी लिख सकते हो, 2 पाई आर एच भी लिख सकते हो और 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देखो कैसे इसको सरफेस एरिया वगैरह के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला याद रखो, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में, एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हुज बेस इज सर्कल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट सो एज टू कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, जो ओपन सिलेंडर जो है ना वो ओपन है, मतलब उसका जो टॉप पोर्शन है वो क्या है, ओपन है, और नीचे जो बेस है वो कैसा है, सर्कल के जैसा है। वो कैसा है, सर्कल के जैसा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, यहाँ पे पाई ए क्यूब है। अब हम लोगों को यहाँ पे डाइमेंशंस फाइंड करना है, डाइमेंशंस हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो जो हमें यूज करना है वो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सिलेंडर में क्या क्या होता है, वॉल्यूम होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है, इसके बाद एरिया होता है, ये सब हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 90, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 15। सो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, वी बी द वॉल्यूम एंड ए बी द टोटल सरफेस एरिया। सब पहले डिफाइन करो, लेट आर बी द रेडियस कॉमा एच बी द हाइट, एच बी द हाइट, और फिर इसके बाद में V जो है ये क्या है, वॉल्यूम है, एंड A जो है ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, एंड कैपिटल A जो है ये क्या है, विद द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया। अच्छा गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो है सिलेंडर जो है क्या दिया था, पाई ए क्यूबिक सेंटीमीटर दिया था, पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक मतलब वी इक्वल्स टू क्या दिया है, पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है, पाई ए क्यूब है, और उसके बाद जो है हम लोगों को फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई ए क्यूब. सो यहाँ पे हमें देखना है कि देखो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो पाई और पाई हम लोग कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पे हमें हाइट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई पाई कैंसिल कर दोगे तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब मिल जाएगा. एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा. देखो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ए जो है ना ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हमको एच को किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है. दो वेरिएबल नहीं हो सकते, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. अगर आप आर का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एच का वैल्यू फाइंड करना ईजी है, तो हम लोग एच में कन्वर्ट, एच का वैल्यू किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ए जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है. सो स्टार्टिंग से आर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, हाइट है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है. और यहाँ पे फिर ये क्या है, गिवन क्या है, पाई ए क्यूब है. पाई और पाई कैंसिल कर दोगे तो आर स्क्वायर एच किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के. तो एच का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक कुछ डाउट है आप लोगों को? हाँ अच्छा, देखो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते थे. हाँ, टोटल सरफेस एरिया जो होता था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता था, टू पाई आर आर प्लस एच, टू पाई आर आर प्लस एच होता है. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो सिलेंडर है ना, वो जो ये फॉर्मूला किसके लिए था, क्लोज्ड सिलेंडर के लिए था. किसके लिए था, क्लोज्ड सिलेंडर के लिए था. अब ये जो है ना, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है. तो अगर ये ओपन सिलेंडर है, देखो यहां पे ये जो है ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, और ये जो है डाउन साइड में ये क्या है, क्लोज्ड है. अब ये क्लोज्ड तो ऐसे ही बनाओगे ना, क्योंकि सर्कल है इसका. डाउन साइड में समझ लो ये क्लोज्ड है और अपर साइड में ये ओपन है, तो सर्कल जो है यहाँ पे आपको क्लोज्ड एक ही मिलेगा, सर्कल जो है क्लोज्ड एक ही मिलेगा ये पूरा जो है. अच्छा अब देखो सर्कल है मतलब, अभी आप अगर डाउन साइड से देखते हो उसका जो बेस है, बेस से लेकर हाइट तक हमें सब सर्कल मिलेगा. आप कहीं से भी देखोगे तो सब पार्ट जो है सिलेंडर का क्या बनता है, सर्कल बनता है. और इसका हाइट कितना है, एच है. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, टू पाई आर होता है. सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, टू पाई आर, और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई हो जाएगा. बराबर मोहम्मद, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा और इसके बाद में एच हाइट तक हो जाएगा. और इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कल है. तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, टोटल टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल्स टू, उसका जो बेस था वो क्या था, सर्कल था. तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर एच. कोई डाउट है इसमें? No, sir. हाँ, तो ये जो है 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा हमने स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे जो है हमने इसका वैल्यू फाइंड किया है, एच का वैल्यू हमने फाइंड किया है ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इसका देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, एच का वैल्यू क्या है, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो और, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई ए क्यूब अपॉन क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर. अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यहां तक कोई डाउट है? हाँ, सो ये अब जो है ना हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करोगे इसको, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ आर है, वेरिएबल क्या है, आर है. तो हमें एरिया को किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी आर. फर्स्ट टर्म में बताओ कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म 2 पाई ए क्यूब.
टू पाई ए क्यूब, परफेक्ट। अच्छा वन अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। हाँ माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पाए वैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? टू आर। टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू आर हो जाएगा। तो इसको हम ना सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर, फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसिडर करते हैं, सेकेंड इक्वेशन इसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा इसको वापस एक बार डेरिवेटिव कर रहा है, इसको जो है वापस एक बार डेरिवेटिव कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा? डी आर स्क्वायर। तो 2 पाई ए क्यूब माइनस ऑफ 2 पाई ए क्यूब बाहर आ जाएगा। अच्छा 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। हाँ माइनस 2 अपॉन, जो ये देखो फॉर्मूला है, अगर 1 अपॉन एक्स रेस टू एन है ना, ये देखो ये फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है इसका। जो ये पावर में है ना एन, वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ एन अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू एन प्लस वन। सो वैसे ही कंपेयर करो इसको भी, तो यहाँ पे आर कितना है? आर का पावर जो है वो टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टू अपॉन आर, टू प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाए, टू पाए कॉन्स्टेंट टर्म है, आर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, टू इंटू टू क्या हो जाएगा? फोर पाए ए क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस क्या आ जाएगा? टू पाए। हमें मिनिमम प्रूफ करना है, याद रखो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर करते हैं, कोई डाउट अब तक? यहाँ तक समझा अच्छे से सबको? अच्छा यहाँ पे महालक्ष्मी देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गिवन क्या है यहाँ पे? पाई ए क्यूब है, तो पाई और पाई को कैंसिल कर दिया हमने। अब देखो सबसे यहाँ पे वेरिएबल आर है और एच है, आर एच जो है ये वेरिएबल हो गए, तो h का वैल्यू फाइंड करना इजी है, तो हमने h का वैल्यू फाइंड कर लिया a क्यूब अपॉन r स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तक समझा? यस सर। हाँ अच्छा, देन इसके बाद जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होता है। अब जो है सिलेंडर जो है ना, एक साइड में ओपन है एक साइड में क्लोज्ड है, तो एक साइड में क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जो बॉटम में है, और सरकमफेरेंस का क्या होता है? टू पाई आर एच होता है, ठीक है। और वो हाइट जो है, मतलब जितना भी हाइट होगा उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो, तो 2 पाई आर एच हो जाता है, और प्लस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक बार आर आर कैंसिल करने के बाद 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा। 2 पाई ए क्यूब जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 पाई ए क्यूब जो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन तक समझा? यस सर। हाँ देन इसके बाद जो है हमें वापस डिफरेंशिएट करना है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया वापस, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 2 पाई ए क्यूब है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2 पाई ए क्यूब बाहर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। 2 और पाई कांस्टेंट है तो बाहर, आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 पाई ए क्यूब वैसे ही रहेगा, अपॉन क्या है? आर क्यूब है, प्लस क्या है? 2 पाई है। समझा इतना? यस सर। अच्छा इसके बाद जो है, अब देखो हमने पहले क्या किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? पुट डीए अपॉन डीआर इक्वल टू जीरो। हाँ पुट डीए अपॉन डीआर इज इक्वल्स टू जीरो। सो अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये, सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो कंसीडर डीए अपॉन डीआर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें dA अपॉन dr का वैल्यू देखना है, यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ, एक मिनट,
माइनस ऑफ टू पाई ए क्यूब अपॉन क्या है आर है, आर स्क्वायर है सॉरी, प्लस टू पाई आर है इज इक्वल टू जीरो। हाँ अच्छा, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, टू पाई, दोनों में कॉमन क्या है टू पाई है, तो एक काम करो ना टू पाई को कॉमन निकाल कर वो साइड शिफ्ट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ क्या क्या टर्म बचेगा बताओ, अगर A हमने क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर अगर ये साइड जाएगा तो वो भी जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा माइनस ए क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आर क्यूब किसके इक्वल होगा ए क्यूब के, सो टेकिंग क्यूब रूट तो आर किसके इक्वल आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव में, तो यहां पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग आर इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन थ्री, थर्ड इक्वेशन में जो है हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड इक्वेशन देखो क्या था डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पाई ए क्यूब था अपॉन आर क्यूब था, आर के प्लस पे ए पुट कर रहे हो तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस टू पाई है, सो ए क्यूब और ए क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल, ए क्यूब और ए क्यूब क्या होगा कैंसल हो जाएगा, तो फोर पाई प्लस टू पाई कितना हो जाएगा सिक्स पाई, सो ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर यहां पर क्या हो जाएगा मिनिमम जब आर का वैल्यू किसके इक्वल होगा ए के इक्वल हो जाएगा, यहां पे लिखोगे सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, इज मिनिमम व्हेन आर इक्वल्स टू ए, व्हेन आर इक्वल्स टू ए। अच्छा हाइट का भी वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हाइट का जो वैल्यू था फ्रॉम इक्वेशन वन, हाइट जो था वो किसके इक्वल था a क्यूब अपॉन r स्क्वायर के इक्वल था, तो r का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बार जो है a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा a मिल जाएगा, तो हाइट किसके इक्वल है a के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्वांटिटी जो होगा मेटल शीट का रिक्वायर्ड मिनिमम होगा जब हाइट और रेडियस दोनों का क्या होगा इक्वल हो जाएगा, हाइट जो है वो ए है और रेडियस भी कितना है ए है, सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे सो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट required is minimum when height and radius is equals to a। ये क्वेश्चन समझा अच्छे से, yes sir। हाँ स्टार्टिंग से देखना है क्या, एक बार देख लो, पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला यूज किया, यहां से सिंगल डेरिवेटिव सॉरी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फिर फंक्शन फाइंड किया, उसको एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दो बार डेरिवेटिव किया, ये पेज एक बार देख लो अच्छे से, ये पेज एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। कोई डाउट है ये सब में? हाँ इसके बाद वाला पेज देखो, इसके बाद वाले पेज में हमने क्या किया, डी ए अपॉन डी आर को जो है जीरो पुट कर दिया,
डी ए अपॉन डी आर को हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। उससे हमें रेडियस का वैल्यू मिल गया ए, और उसका वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करने का, सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में अगर सब्स्टिट्यूट किया, उसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो आता है, तो उसका मतलब वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर आर का वैल्यू ए जो है वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाइट उसका मिल जाएगा ए। तो हम लोगों को मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा मिनिमम, जब हमारा रेडियस रेडियस और हाइट जो है दोनों किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट ये सब में? नो सर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। माँ लक्ष्मी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर What are the other two sides of the triangle for its maximum area? हाँ, thank you. हाँ मालक्ष्मी, देखो इसमें क्या है, perimeter of a triangle दिया है, perimeter of triangle दिया है 10 centimeter. अच्छा बताओ perimeter of triangle क्या होता है? Sir, sum of all sides. हाँ, sum of all sides हो जाता है। अच्छा उसमें से क्या दिया है, एक साइड का वैल्यू जो है वो एक यहाँ पे 4 है, एक साइड का वैल्यू कितना है 4 है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो साइड फाइंड करना है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ट्रायंगल का जो है एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने ये सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना सर? नहीं नहीं राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेगा सर, फिर उसमें हाइट का मसला नहीं होगा इतना? मसला मतलब भी नहीं, बट अपने को क्या दिया है कि दो साइड फाइंड करना है। हाँ, दो साइड जो है 90 डिग्री वाला वो हाइट हो जाएगा ना सर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाँ बट फिर इसके बाद में फिर भी तो दो साइड फाइंड करना पड़ेगा ना। हाइट जब एक साइड दिया है बाकी दो साइड कैसे फाइंड करोगे, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल साइड्स से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक इक्वेशन फ्रेम होगा। देखो वो कैसे करेंगे हम लोग, पहले एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ करोगे फिर भी उसमें हमें मतलब बाकी दो साइड को तो फाइंड ही करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ देखो पहले एक जो है हमने समझ लो ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया जिसका नाम है ए बी और सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी है। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि जो फर्स्ट साइड है वो एक्स है, सेकंड साइड क्या है वाई है, और थर्ड साइड हमें 4 दिया है, इतना समझा? यस सर। हाँ तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट एक्स वाई एंड 4 बी द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना दिया है, 10 दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जो है 10 है, इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर x plus y plus 4 equals 10। हाँ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ करेक्ट, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना दिया है, 10 दिया है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ना, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा, x plus y plus 4 is equals to 10। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x plus y is equals to 6 लिख सकते हैं, बट हमें सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तो y is equals to क्या होगा, 6 माइनस ऑफ x हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ तो देखो ये जो कंडीशन दिया था ना, इससे हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा आप लोग इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट बेस हमें मालूम ही नहीं है, हाइट भी नहीं फाइंड कर सकते, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग देखो ट्रिगो में, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूलास पड़े थे, याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ट्रिगो में दो फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़ा था। ये देखो ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक काम करो,
ये जो है अगर समझ लो एरिया ऑफ ट्राइंगल था, तो इसका फॉर्मूला था हाफ ए बी इंटू साइन से, याद है कि नहीं याद है? सर ये नहीं आया था क्या? नो सर, मैंने ट्री को पढ़ाया है ना? यस सर। हाँ सर पढ़ाया था आपने। अच्छा पूरा पढ़ाया है कि जो ओमिट था वो नहीं पढ़ाया है? ओमिट नहीं पढ़ाया सर। अच्छा ट्रिगो में मैंने ओमिट वाला नहीं पढ़ाया है? Yes, अच्छा 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 ये वाला फार्मूला भी नहीं याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर ये टेंथ में था। हाँ सर ये कराया था सर। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ ये तो हेरॉन्स फॉर्मूला है। हाँ करेक्ट, ये याद है। हाँ हाँ, तो ये जो है ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, हीरोस फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, हेरॉन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये ना अगर आप लोगों के पास मैथ्स वन का टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हो। एक मिनट हाँ रुको, मैं देखता हूँ मैथ्स वन की टेक्स्ट बुक लेकर आता हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहां मिल जाएगा। हाँ हेरॉन्स फॉर्मूला जो है ये देखो यहाँ पे मिलेगा, ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ अभी हेरॉन्स फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे साइड क्या है, ए है बी है और सी है, आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टू एस होता है, ये फॉर्मूला याद रखो भी। हाँ हम लोग यूज करेंगे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा ए बी सी जो है ये साइड्स है, तो हमारा जो फॉर्मूला अभी हम लोग जो ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस एक्स हो जाएगा, x यहाँ पे s माइनस वाई हो जाएगा और s माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा। समझाइए। यस सर। हाँ देखो ये ए बी सी साइड है ना, साइड है ये, साइड से ये सब, तो यहाँ पे हमारा साइड क्या क्या था, x था y था और 4 था, तो यहाँ पे a के प्लेस पे x आ जाएगा, b के प्लेस पे y आ जाएगा और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा और यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2s होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 2s होता है, तो वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। देखो ये एक जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हीरॉन्स फॉर्मूला के जैसा है, और एक है एक मिनट आ यहाँ पे और एक फॉर्मूला दिया गया था, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट सिर्फ। आप लोगों को शायद से वो इस बार नहीं दिया है, वो नहीं दिया है इस बार, बट ये फॉर्मूला भी यूज होता है, मैं बताऊंगा। हाँ
वो फॉर्मूला नहीं दिया अभी फिलहाल के लिए, जो मैंने बताया वो फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पे मैं मतलब ये टॉप पे लिख दे रहा हूँ हीरन्स फॉर्मूला क्या होता है, सो दैट आप लोगों को याद रहेगा ये फॉर्मूला हमने कहाँ से यूज किया है। पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 मैथ्स वाला, इफ इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s, then area of triangle ABC is equals to under root of S into S minus A, S minus B and S minus C। इससे हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ये वाले सब में यूज करेंगे। ये समझाना आप लोगों को। यस सर, यस सर। हाँ तो देखो, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ यहाँ पे एस माइनस वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे एस माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें s का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो s का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s होता है। तो इसका मतलब देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 2s होता है। अच्छा, x प्लस y देखो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। x प्लस y किसके इक्वल है, 6 के। तो x प्लस y 6 के इक्वल है, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 एस हो जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 5। समझा ये कैसे आया? यस सर, यस सर। हाँ तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है, बट ए के प्लेस पे x है, बी के प्लेस पे y है और सी के प्लेस पे 4 है। तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2s है, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई जो है 6 के इक्वल है। तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब इसको हम लोग ए से डिफाइन कर देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस के प्लेस पे 5 लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ एक्स और ये 5 माइनस वाई। अच्छा, वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन से 6 माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ एक्स, और ये लास्ट में क्या है, 5 माइनस 4 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर, हाँ। तो ये एरिया इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा, 5 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 1, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, और ये 5 इंटू 4 कितना होगा, 1 हो जाएगा। So, और सिंप्लीफाई करोगे इसको आप लोग तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, या तो फिर इसको ऐसे रखो, 5 वैसे रखो, 5 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5, और 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 5 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। सो अरेंज करते हैं यहाँ पे टर्म्स को हम लोग, सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ पे फंक्शन मिल गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dA upon dx। अच्छा, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट 1 upon 2 रूट एक्स का जो वैल्यू है वैसे लिखो, 5 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव. अच्छा फिर रूट के अंदर जो है उसका भी डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर जो है फाइव कॉन्स्टेंट हमें तो बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स एक्स का प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है. और फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें. अच्छा इन दोनों में से अगर हम टू टू कॉमन निकालते हैं तो ये टू और ये टू जो है कैंसल हो जाएगा. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइव को ब्रैकेट के, एक काम करो टू को बाहर निकालो. तो जब टू को बाहर निकालोगे और फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, और सिक्स में से टू को बाहर निकाला था ना, तो क्या हो जाएगा थ्री, थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टीन, और अपॉन क्या आ जाएगा टू अंडर रूट माइनस ऑफ फाइव इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ऑफ फाइव. तो टू टू कैंसल हो जाएगा, तो माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट फाइव इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस फाइव. कोई डाउट है इसमें सर? 16x कहां आया? अच्छा सॉरी सिक्स, सिक्सटीन नहीं आया मोहम्मद, वो सिक्स है, ठीक है. यस सर. अच्छा यहाँ तक समझा अच्छे से? यस सर. हाँ स्टार्टिंग से एक बार देख लो, पेरीमीटर जो है दिया था, पेरीमीटर दिया था इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा. तो सम ऑफ ऑल साइड से हमको एक वेरिएबल मिल जाता है, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला यूज किया, फिर एस का वैल्यू फाइंड करके हमने सब वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको डिफरेंशिएट किया है. अच्छा डी ए अपॉन डी एक्स को अगर जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म वो साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा. तो एक्स का वैल्यू बताओ कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा. हाँ बराबर कितना आ जाएगा, थ्री. अच्छा तो हम लोग यहाँ पे इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो हम लोग डी ए अपॉन डी एक्स को जीरो पुट कर देते हैं. सो देयर फोर डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन, और जो डिनोमिनेटर का टर्म था वो तो राइट हैंड साइड में जाकर जीरो बन जाता है. तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, थ्री. x का वैल्यू जो है हमें कितना मिल गया, थ्री. अब हमें क्या करना है, जो डेरिवेटिव मिला है उसको वापस डिफरेंशिएट करना है. डी ए अपॉन डी एक्स था ना, डी ए अपॉन डी एक्स था, वो क्या था, माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ऑफ फाइव है. अच्छा इसको और एक बार डेरिवेटिव करना है, तो एक बार और डेरिवेटिव करके x का वैल्यू पुट करना है. तो इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे, u अपॉन v रूल से करोगे. तो ये आगे का सम सॉल्व कर लोगे कि कर दो मैम? कर दो सर. हाँ तू तो बोलेगा ही कर दो, कभी मना किया है? देखो क्या है, डिफरेंशिएटिंग अगेन. हाँ मोहम्मद, आदत से मजबूर सर. हाँ हाँ चलो सही है. डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर जो है पहले लिखते हैं. तो ये क्या है, अंडर रूट फाइव इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ऑफ फाइव. डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का, माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन, फिर माइनस साइन आता है, फिर जो है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन. डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, फाइव इंटू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ऑफ फाइव, और अपॉन क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर हो जाता है. तो फाइव इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सॉरी माइनस फाइव इसका स्क्वायर हो जाएगा. फॉर्मूला सबको समझा? यस सर. यस सर. हाँ तो अब देखो डेरिवेटिव करो. Thank you.
सो डेरिवेटिव कैलकुलेट करो इसका. सो ये जो है डेरिवेटिव के जो पहले है उसको वैसे रखो, अंडर रूट ऑफ 5 इनटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस ऑफ 5. अच्छा डेरिवेटिव जो है यहाँ पे इसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 15 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा माइनस 5. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव समझा अच्छे से? यस सर. हाँ अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस 5x प्लस 15. अच्छा यहाँ पे वापस इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करोगे, स्टार्टिंग में भी तो इसका ही डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था ना. yes, देखो स्टार्टिंग में. हाँ अब ध्यान से देखो, हम लोग वहां पे वापस नहीं करेंगे. ए का डेरिवेटिव हम लोग ने देखो ये पूरा टर्म था, इसका डेरिवेटिव हमने किया था तो हमें ये टर्म मिला था माइनस 5x प्लस 15 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. तो इसका डेरिवेटिव जो है उसको सिंप्लीफाई करके ये मिलता है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज करें क्या? yes, हाँ. तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस 5x है प्लस 15 है अपॉन अंडर रूट 5 है. ठीक है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, तो वो क्या था माइनस ऑफ 5x प्लस 15 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 5 था. सम्स इसके लेंदी है यहाँ, बट मेथड जो है मैंने बताया था वही है, सबका फर्स्ट सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर डेरिवेटिव निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके वैल्यू जो मिलता है उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है. अच्छा यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बचेगा. तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो ये रूट के अंदर है, क्या नो सर? हाँ ये देखो ये जो है रूट का टर्म और ये रूट का टर्म है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और ये माइनस 5 को एज इट इज यहाँ पे रखो. ठीक है तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ये टर्म माइनस 5x प्लस 15 है, ये भी टर्म माइनस 5x प्लस 15 है, दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस साइन लिखकर ये फर्स्ट टर्म हो गया पूरा, ब्रैकेट वगैरह अच्छे से यूज करो. ये माइनस 5x प्लस 15 है, ये भी माइनस 5x प्लस 15 है, तो इसको हम लोग दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? yes, sir. अच्छा ये टर्म जो है वो कहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये टर्म जो है वो कहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 5. ये इसका क्या आ जाता है डबल डेरिवेटिव आ जाता है. अब देखो इसको ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, हाँ इसको जो है ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना रहता है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना रहता है वैल्यू पुट करना है. तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे 3. अब इसमें हम लोग जहां पे भी एक्स है वहां पे 3 पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए. तो फर्स्ट ब्रैकेट है देखो 5 इंटू माइनस ऑफ, हाँ माइनस पहले है, माइनस देखो पहले है, एक्स के साथ में नहीं है, एक्स का स्क्वायर जो है वो उसका एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 3 कितना होगा 18 माइनस 5, और यहाँ पे इंटू पहले से ही क्या है माइनस 5 है. फर्स्ट ब्रैकेट क्लियर हुआ? yes. हाँ सेकंड ब्रैकेट के लिए माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 15, और ये प्लस 15 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाओ तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ 5 आ जाएगा. और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके लिए करोगे तो अंडर रूट 5 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 होगा. तो अब हम लोग सबको सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में देखो ये पार्ट तो जीरो हो गया, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा जीरो, ये पार्ट आपका जीरो हो गया. अब ये जो है ये पार्ट सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू
माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 18 माइनस फाइव कितना हो जाएगा आपका ये 13 हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे इंटू माइनस फाइव, अच्छा इसको माइनस 25 कर दे रहा हूं मैं, हाँ डायरेक्ट माइनस 25 और ये माइनस जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाओ फाइव वैसे ही रहेगा, ये माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस नाइन, और 18 माइनस फाइव कितना फोर हो जाएगा सर, क्या फोर हो जाएगा, नहीं समझा क्या बोल रहे हो सर, फोर बचेगा सर, अच्छा ऊपर ना वैसा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं वो, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा फाइव इंटू ये भी कितना हो जाएगा नाइन माइनस नाइन, और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा, सो न्यूमरेटर में कितना बच रहा है माइनस ऑफ 25 इंटू फोर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये फाइव इंटू फोर है, फाइव इंटू क्या है फोर है, और फिर ये क्या है इंटू अंडर रूट, ये फोर इंटू फाइव कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सो फोर और फोर कैंसिल करते हैं हम लोग, फोर और फोर कैंसिल कर दो, फाइव और ये कितना आ जाएगा फाइव टाइम आ जाएगा, तो माइनस ऑफ फाइव 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, टू रूट फाइव लिख सकते हैं, तो टू रूट फाइव, तो न्यूमरेटर में फाइव है तो उसको रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख के, तो इसका आंसर माइनस रूट फाइव अपॉन टू हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये क्या है लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मैक्सिमम होगा, हाँ सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एंड y इज इक्वल्स टू क्या था सिक्स माइनस ऑफ x था, तो y इज इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, समझाइए समस्या से, yes, sir. हाँ, sir. हाँ वापस देख लो, हाँ एक बार ये डबल डेरिवेटिव सिर्फ हमने कैलकुलेट किया है थोड़ा सा, ये सम्स जो है वर्ड प्रॉब्लम्स लेंदी है, बट ये सम्स थ्री टू फोर मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में, नेक्स्ट सम सॉल्व करूं, हाँ देखो नेक्स्ट सम क्या हो जाएगा फिर, सर लास्ट टू लेक्चर का पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर, सिर्फ लास्ट लेक्चर का होगा ना, लास्ट टू लेक्चर से नहीं मिला, नहीं नहीं मैंने लास्ट लेक्चर का भेजा है, मतलब कल का नहीं भेजा है मैंने, हाँ, बट उसके हाँ उसके पहले का मैंने भेजा है महालक्ष्मी, ओके सर देखती हूँ, हाँ हाँ उसके पहले का ना मैंने भेजा है, ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एक लास्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, a box with a square base is to be have an open top, a box with a square base is to have an open top, यहाँ पे क्या बोला, the surface area of the box is 192 square centimeter, अच्छा एक square है जिसका top portion जो है वो open है, square जो है उसका top portion क्या है open है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या देखना है आगे, what should be its dimensions in order that it the volume is largest, अच्छा volume of box क्या हो जाएगा बताओ, L cube, L cube होता है square के लिए ना, yes. L cube हो जाता है, cube के लिए क्या हो जाता है वो L cube हो जाता है, तो यहाँ पे हमें box के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे L cube लिख देते हैं, ठीक है, सो वॉल्यूम जो है वो L cube, यहाँ पे कैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, बट उसका स्क्वायर का जो है बेस हम लोग ने कंसीडर किया, जैसे समझ लो A है और उसका टॉप पोर्शन ओपन है, हाँ यहाँ पे महालक्ष्मी, तो हम लोगों को L cube का फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि L cube जो है उसका बेस जो है वो ओपन है, यहाँ पे ना स्क्वायर जो है उसका बेस क्या है ओपन है, एक मिनट, हाँ एक स्क्वायर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये एक अगर एक स्क्वायर हो गया उसका फाइव एल स्क्वायर होगा सर, हाँ फाइव एल स्क्वायर सर,
ओपन बॉक्स सरफेस एरिया नहीं 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 सरफेस एरिया नहीं निकालना है ना अपने को, 5L स्क्वायर नहीं होगा। देखो पहली बात तो ये, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, और 4 टाइम्स उसका साइड इनटू हाइट हो जाता है। नहीं समझा? नो सर। नहीं सर। हाँ? नो सर, नहीं समझा। नहीं समझा। अच्छा चलो ठीक है, अगर हमने कंसिडर किया कि साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस जो है वो ए है, अगर हमने कंसिडर किया इसका जो बेस है वो ए सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो बी है, हाइट क्या है बी है, इतना समझा? हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया जो है क्वेश्चन नंबर 17, बट आई थिंक स्क्वायर तो सब साइड सेम होता है ना। क्या सर, स्क्वायर का मतलब है या क्यूब बॉक्स है सर? क्या क्यूब नहीं है या क्यूब बॉक्स है? नहीं नहीं नहीं, क्यूब वगैरह कुछ नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, बट महालक्ष्मी यहाँ पे जो है ना हम लोगों को एक साइड जो है वो ओपन दिया है, एक साइड जो है ओपन दिया है, बट अगर भले ये सेम होता है बट इसमें से एक तो बेस हो गया, एक हाइट होता है, तो उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है सर? बट दोनों का लेंथ सेम रहेगा ना? क्या दोनों का लेंथ सेम रहेगा ना सर? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है स्क्वायर स्क्वायर जो है ना उसका जो बॉक्स का मतलब टॉप पोर्शन है वो ओपन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मतलब नहीं बोल सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं सर। तो सिर्फ बेस ही उसका स्क्वायर है? हाँ, तो बेस उसका स्क्वायर है बराबर। ओके सर, खाली बेस स्क्वायर है मतलब? हाँ। ओके सर। हाँ सर, समझा भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया है वो स्टेटमेंट, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस, बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर में है, बॉक्स का जो बेस है वो देखो वो स्क्वायर में है, इज टू हैव एन ओपन टॉप, इसका मतलब समझा आप लोगों को? बॉक्स का जो बेस है ना वो स्क्वायर शेप में है। नहीं समझा बीबी? हाँ हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही क्लियर होता है कि जो बॉक्स था उसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है। हाँ, उसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है, बाकी जो है वो ओपन है, तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हाइट। इसका बेस जो है वो हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर किया ए है, और हाइट जो है ये इसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप में है, और बाकी साइड कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बट ये अपने पास टाइम भी बहुत कम बचा है, नहीं हो पाएगा ये सब सर, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू। सर एक हाँ, पूछना था, बोलो ना। जो बोर्ड का टाइम टेबल आपने भेजा था वो हाँ? सच है क्या, रियल है? मैंने तो एक दूसरे उस पे भी देखा, टाइम टेबल रियल है क्या? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ विराम, मैंने एक जगह और भी देखा तो वहाँ पे भी मतलब मुझे नेट पे भी मिला कि सेम वही टाइम टेबल मिला, सो मैंने वो मैम को फॉरवर्ड कर दिया। मेरे सर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे एक कलीग ने भेजा था, सो मैंने वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर लिया और मैंने एक जगह देखा भी तो वही था, तो मैं मैम को एक काम करता हूँ फॉरवर्ड कर देता हूँ, सो आप वो एक बार देख लेना। सर वो मिल गया हम लोग के ग्रुप में, सर ने भेज दिया। कौन से? तिवारी सर ने भेजा था। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने वो भेजा था सर को भी। आपने भेजे थे ना सर, वही वाले? अच्छा अच्छा, हाँ वो जो है मैंने स्क्रीनशॉट भी था मेरे पास जो मतलब साइट पे था, तो वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, मेरे कॉलेज वालों ने भी मुझे भेजा था वही वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अभी देखो कैसे कुछ मतलब जो आया मैंने वही फॉरवर्ड किया आप लोगों को, एक बार देख लो। हाँ वो चेक कर लो, ठीक है? तो ये जो है कुछ डाउट है अभी सम का, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कैसे, इसके सम्स काफी लेंदी हो जा रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, बट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सम मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है अपना, ठीक है? ओके सर। हाँ तो ये सम्स जो है ना मैं मतलब पीडीएफ बना के भेज देता हूँ थोड़ी देर में, तो वो प्रैक्टिस करो आप लोग। हाँ ओके सर। हाँ हाँ चलो, थैंक यू सर। हाँ हाँ।